पिछली वीडियो में मैंने आपको जोसे सिल्वा के द्वारा बताया गया मेडिटेशन बताया था, जिसकी मदद से आप किसी भी क्रोनिक डिजीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको एस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या किसी भी तरह की क्रोनिक इलनेस या ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है जिसके सिम्टम्स बहुत समय बाद देखने को मिलते हैं और जो बीमारी लंबे समय से आपकी बॉडी में चलती आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में 3 में से एक व्यक्ति क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है। क्रोनिक डिजीज किसी भी तरह की हो, लेकिन जैसा प्लेसेबो इफेक्ट ने साबित किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रेप्यूटेड डॉक्टर से कोई दवाई लेता है और उस व्यक्ति को यकीन है कि उस दवाई को खाने से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो वो ठीक होता है और कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के मामले में ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब किसी व्यक्ति को 2 साल बाद किसी गंभीर क्रोनिक डिजीज का पता चलता है और जब कोई रेप्यूटेड डॉक्टर उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें ये बीमारी है, तब एक तरीके से वो उस व्यक्ति की जिंदगी में एक लेबल लगा रहा है कि उसे इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा और वो व्यक्ति मान लेता है कि उसे वो बीमारी है। जिस वक्त उस व्यक्ति को पहली बार अपनी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है, तब वो बहुत ही गहरी भावना की अवस्था में होता है और जो कुछ भी डॉक्टर उससे कहता है वो व्यक्ति उसे मान लेता है। अगर किसी दवाई में आपको ठीक करने की शक्ति होती है, तो इस तरह की नेगेटिव बातें जैसे कि तुम बीमार हो, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस तरह की बातें आपको ये मानने पर मजबूर कर देती है कि अब यही आपकी रियलिटी है और आप खुद को बीमार मानने लगते हैं। तो अगर आप किसी भी क्रोनिक डिजीज से पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में बीमारी से संबंधित जो बातें आपके दिमाग में बैठाई गई है, आपको उसे जानना होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको ये समझना होगा कि बीमारी से संबंधित आप किन बातों पर विश्वास करते हैं। एक पेपर में आपको अपनी बीमारी से संबंधित सारे पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीव्स को लिखना होगा। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाए, तब आपको खास करके नेगेटिव पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा और उन नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में बदलना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपने अपने नेगेटिव पॉइंट में लिखा है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, तो आपको ऐसे लोगों के बारे में सर्च करना होगा जिन्होंने किसी भी तरीके से इस बीमारी को ठीक किया है, और अब आपको अपने दिमाग में ये बिलीव बैठाना होगा। आपको खुद से कहना होगा, इस बीमारी के मेरे शरीर में होने का ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। दूसरे स्टेप में आपको एक गोल सेट करना होगा, यानी अब आपको अपने दिमाग में एक ऐसा लक्ष्य बनाना होगा जिसे आप हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। अभी तक आपने अपने नेगेटिव बिलीव्स को पहचान लिया है, उन्हें पॉजिटिव बिलीव्स में बदल भी लिया है, और आपने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है जिन्हें पहले ये बीमारी थी, लेकिन अब उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो अब आपको खुद के लिए एक ऐसा लक्ष्य बनाना होगा जो आपको पॉजिटिव तरीके से प्रेरित करे, और आपका लक्ष्य केवल ठीक होना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो एक बर्निंग डिजायर की तरह आपके भीतर आग पैदा करे कि किसी भी हाल में मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना ही है, और जो लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं उन्हें देखकर आपको प्रेरित महसूस होना चाहिए कि अब आपको भी ठीक होना है। तीसरे स्टेप में आपके मन में एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, यानी आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अपने मन में अपनी बीमारी को ठीक करने की उम्मीद जगाने के लिए आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एफर्मेशन केवल अपनी बीमारी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार लाने के बारे में होना चाहिए, जो आपके दिमाग को सही डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से इस तरह से एफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे कि I will always maintain a perfectly healthy body and mind. मैं हमेशा स्वस्थ शरीर और दिमाग बनाए रखूंगा। Every day in every way, I am getting better and better. हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। शुरुआत में आपको अपने affirmation पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन अपने affirmations को practice करते जाएंगे,
आपको अपनी बातों पर विश्वास होने लगेगा और एक फैक्ट की तरह आप इसे मानने लगेंगे। मेरे चैनल पर इस वीडियो में मैंने जोसे सिल्वा के द्वारा बताई गई स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक बताई है। इस मेडिटेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, तब आप अपने मन में विजुलाइज कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आप खुद की एक नई पिक्चर बना सकते हैं जो आपको उस दिशा में काम करने के लिए मजबूर करे जिससे आप ठीक हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी डिज़ायर होगी, जितना मजबूत आपका बिलीफ होगा, जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, उतनी ही जल्दी और उतने ही पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ईबुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।